स्कॉलरशिप प्रोग्राम होगा स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर एस्पिरेंट्स टू गेट थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. हमने डिसाइड किया सोसाइटी कि हम आने वाला सिविल सर्विस एग्जाम्स को लेके जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, उन्हें इंकरेजमेंट देने के लिए हमने ये निर्णय लिया. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीरियसनेस हेजे वेलफेयर सोसाइटी विल बी पुटिंग द फाइनेंशियल एफर्ट्स, टीचर विल पुट इट्स लेबर एफर्ट एंड वी बोथ विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अ स्टूडेंट. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस टेस्ट. टुडे वी केम हियर टू गिव यू सम हाईलाइट ऑन द सिविल सर्विस स्कॉलरशिप. इसमें हमारे जो धूमपुर जो बेस सीबीएस जिसके नाम आप जाने जाते हैं कि एच ए वेलफेयर सोसाइटी, ये बेसिकली अपर सिकेंसी का वन ऑफ द रिनाउंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. और ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इस टाइप का कैरियर काउंसलिंग किया, लेकिन आज जो कैरियर काउंसलिंग स्पेशली जो स्कॉलरशिप देने जा रहा है, इसका काफ़ी अलग से इनका महत्व है. क्योंकि हमारे सोसाइटी हम फोकस करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी है जो सिविल सर्विस में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उनका डिफ़िकल्टीज को समझते हुए हमने डिसाइड किया सोसाइटी कि हम आने वाला सिविल सर्विस एग्जाम्स को लेके जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहे, उन्हें इंकरेजमेंट देने के लिए हमने ये निर्णय लिया. और बेसिकली ये निर्णय इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि हमारे सोसाइटी के जो फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट लेट मिंगू बागे हेचे, उन्होंने इस सोसाइटी में काफ़ी अपना योगदान दिया और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम्स को 3 times वो मेंस तक पहुंचा और परंतु वो किसी कारण से सक्सेस नहीं हो पाया. तो उनका डेडिकेशन में भी हम उनके जो डिपार्टेड सोल को ऑनर करते हुए ये प्रोग्राम रख रहा है. और इस प्रोग्राम से जो भी स्टूडेंट्स हम जिस तरह से सपोर्ट दे सकता है, बेनिफिट दे सकते हैं, हम अपील वही करेगा कि जितने भी यहाँ के जो विद्यार्थी है जो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे शुड टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस स्कॉलरशिप. एंड फॉर डिटेल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द वाइफ ऑफ लेट मिंगू बागे हेचे, हु इज ऑल्सो होल्डिंग द पोस्ट ऑफ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ हेचे वेलफेयर सोसाइटी, श्रीमती मंदिरा बागे हेचे, प्लीज. As my ato already mentioned that he qualified till viva 3 times in the civil services examinations, but unfortunately now he is no longer with us. But what we thought in his memory, we would like to launch a course, a program. Ye ek scholarship program hoga specially for the youth of Arunachal Pradesh who are aspirants to get through in the civil services examinations. तो ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहे हैं. हाउएवर इसके लिए एक टेस्ट होगा, तो इसके बारे में आपको आगे बताएंगे प्रीतपाल सिंह जी. टू हेल्प यू फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, सो दिस इज द अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल दैट हेचे वेलफेयर सोसाइटी हैज टेकन इनिशिएटिव so as to provide a good education at a very I would say it is almost free of cost. So I will share the details of the course for you. So we will be taking around 100 students for mains and for interview, and the preparation for your mains, the general studies especially, so we will take the responsibility to cover the general studies with both your static as well as with your current subjects. And to select these 100 students, we will be organizing a scholarship test. The scholarship test will be descriptive in nature. It will be like a mock test for your mains. The scholarship test will be conducted in Nejoli as well as in Itanagar. And scholarship test mein aapka ek essay ka paper hoga of around 250 words. And GS1, GS2, GS3 or GS4. As you all know, ki journal studies mein aapke 4 subjects hain. To har पेपर में से वी विल बी टेकिंग 2 क्वेश्चंस, 100 और 150 वर्ड्स जैसे आपका पैटर्न पेपर में रहता है. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कॉलरशिप टेस्ट वी विल बी चूजिंग 100 स्टूडेंट्स सो एज टू गाइड देम स्पेसिफिकली फॉर मेंस एंड फॉर इंटरव्यू.
So detail of the contact of HE Welfare Society and the institute concerned. So from tomorrow on, you will be getting that email ID and the phone numbers and the institute's address and all on the second page of the Arunachal Times. हमारे सिविल सर्विस के मेंटर, तो इस कोर्स में हम टोटल 100 सीट्स का ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप, और ये ईटानगर, निर्जली और नाहरलगन तीनों में ले सकते हैं. और इसमें जो क्वालिफाइड करने के लिए कुछ टेस्टिंग और टेस्ट लड़के को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके इनका एलिजिबिलिटी रहेंगे. तो डिटेल के लिए यहाँ फ़ोन नंबर और ईमेल्स दिया गया है, और कल के जो पेपर होंगे उनमें वो भी रहेगा. इसलिए मैं जितना भी विद्यार्थी है, especially those aspirant candidates who are preparing for the civil service, I appeal every one of you on behalf of HE Welfare Society to take active participation here and take the opportunity and grab this opportunity so that you can get some help to get clear your civil service exams, which is basically a very challenging job in the state and most prestigious job in the exam of the state. So once again, I appeal all the aspirant to take the opportunity that HE Welfare Society is providing to you. इसका मेन मोटिव है कि आपने वैसे भी देखा होगा सोसाइटी में कि नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. वी हैव अ सीरियस कैंडिडेट्स ऑल्सो, वी हैव अ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऑल्सो. सो जैसे आपको मैंने बोला कि टू क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम ईच पेपर, सो टोटल इट विल बिकम 8 क्वेश्चंस, एंड नाउ देयर विल बी एन एसे ऑल्सो. सो दिस इज अ टाइप ऑफ फिल्टरिंग, सो दैट कि लाइक वी हैव अ लिमिटेड सीट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. अब सपोज करो 100 में से अगर 20, 25, 30 वी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अगर हमारे पास नॉन सीरियस कैंडिडेट्स आ जाते हैं, तो फिर सीरियस कैंडिडेट्स का लॉस हो जाता है. सो अगर कोई टेस्ट देगा, अगर वो 8 क्वेश्चंस लिखता है, ऐसे लिखता है, तो एक हमको पता लग जाएगा कि इस कैंडिडेट का IQ लेवल क्या है, ये सिविल सर्विस कर सकता है नहीं कर सकता है, इसकी सीरियसनेस कितनी है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीरियसनेस, HE Welfare Society विल बी पुटिंग द फाइनेंशियल एफर्ट्स, teacher will put its labor effort, and we both will work together for the welfare of a student. That is the only purpose of this test, so that we can filter out the serious candidates. The syllabus is very vast, and this is challenging also, kyunki agar aapne Delhi mein bhi dekha hoga syllabus civil service ka, that goes for 1 or 1.5 years. Jo bacche ne coaching kar li hui hai, to mere ko ye lagta hai ki wo bachcha thoda kam interested hoga as compared to jo इसको करना चाहता है, मतलब कि पहली बारी करना चाहता है. सो दैट वी विल इन फ्यूचर वी विल टेक केयर ऑफ कि कैसे उसको हम फिल्टर करना है, कैसे उसको हमने एंटरटेन करना है. और अगर कैंडिडेट सीरियस है, आई डोंट थिंक कि HE Welfare Society विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम फ्रॉम इंक्रीजिंग द सीट फ्रॉम 100 टू 150 और टू द 200. आई डोंट थिंक कि मेरा तो यही मानना है कि लाइक ये अभी एक क्लासरूम है, अब इसमें इतने स्टूडेंट बैठे हैं, अगर कुर्सियां कुछ खाली हैं उसमें और भी स्टूडेंट बैठेगा. आई डोंट फील कि देयर इज़ गोइंग टू बी एनी यू नो डिफरेंस इन दैट. सो वी आर नॉट स्टिकिंग बाय नंबर, दिस नंबर इज़ ओनली इंडिकेटिव. सो इफ वी विल बी गेटिंग हायर नंबर ऑफ कैंडिडेट, सो वी विल बी यू नो इट इज़ आर प्रिविलेज, और इट इज़ आर लाइक वो एक तरह की सेवा कहते हैं पंजाबी में, एक तरह की सेवा है कि सोसाइटी की तरफ हमारी कुछ सेवा होगी और हम उसको एंटरटेन कर लेंगे. वो तो एक तरह का कह लो कि भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा दी और उसको हम एंटरटेन कर ही लेंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है. नंबर इज़ ओनली इंडिकेटर.